क्या स्वीट्स स्वीट्स तो नहीं एक्सप्रेस तो मेरा मेन्यू है ये खा रहे सारी पूरी पलटन बैठी है आपको क्या लगा हम चार हैं यहाँ पे पूरी पलटन बैठी हुई है पीछे ये पूरी पलटन है यहाँ पे चार बॉसी और मम्मी और अपा तो इंडियन प्लेटर है मेरा चाइनीज है किसी ने साउथ इंडियन भी ले रखा है इधर का नहीं है बटर चिकन की ग्रेवी नहीं होती ऐसी ना उत्तपम है तो गाइस यहां पे मैंने सो रखा है तो रखा है वैसे 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 यहां पे नानी बैठी हुई है यहां पे टिंकू है यहां पे मौसी है यहां पे काकू है हम सब ऐसे बातें कर रहे हैं और अब हमारे एक दिन रह गए जाने के लिए मम्मी कैसा फील हो रहा है रो तो नहीं रही है सब यहां पे बातें कर रहे हैं अभी हम मिस करेंगे हम मैसी को भी मिस करेंगे मैसी को भी मिस करेंगे सबसे ज्यादा मैसी को मिस आलिया इसके पैर देखो पैर तो गाइस आज वो दिन आई गया कि हम जा रहे हैं स्वीडन तो अभी हम पूरा बैग पैक हो चुके हैं और हम सो गाइस आज जा रही है सुमी वापस और हम हंस रहे हैं क्योंकि हमें हंसी आ रही है लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते क्या होगा तुझे तो गाइस हम जा रहे हैं बाय सानू रोना नहीं है बिल्कुल नहीं रोना है बच्चों बिल्कुल नहीं रोना है जल्दी जल्दी आना है बस ठीक है ना और ऑल द बेस्ट बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए माँ तुम्हारे जुटे पाल रहे और तुम्हारे वो जो है ना मैच करो जाओ अरे वहाँ बैग जीने के अंदर बड़े खत्म ना करो जाओ चलो गाइस टाइम टू लीव अच्छी लगनी चाहिए गाइस अच्छी लग रही है ना जितने ड्रामे उतने बकवास ये ले पहली बार छोड़ने आ रहे हो तो मुझे वो तो ठीक है पहली बार रोना इतनी चुप है तू जा गाइस प्लीज फोकस तू जा भी तो दूसरी बार रही है हाँ ये भी बात है पहली बात है तो रोज मैंने कहीं सोचा ही नहीं रोज पर भाई मैं ये जब जब रो रही हूँ मैं चुप कर आ रही हूँ हाँ ऑब्वियसली वो मेरे कुछ वो चले गए वो रनवे टर्मिनल थ्री टर्मिनल थ्री ये मालिक कावा है एंड ऑल गेट्स ऑल एयर लाइंस मैसी भी हमें छोड़ने आया है देख रहा है ये जगह नहीं नहीं सब देख रहे हैं भाई
छेता रो रही है तू तो गाइस हमारा चेक इन एंड इमिग्रेशन सब हो गया है एंड अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग की तरफ। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था इसीलिए मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी। मौसी लोग भी हमें छोड़ने नहीं आए थे क्योंकि सब इमोशनल हो गए थे एंड हम नहीं चाहते थे किसी की तबीयत ख़राब हो रो रो के, इसीलिए सब घर पे ही रहे। अब हमारी बोर्डिंग भी हो गई है एंड हम बैठ गए हैं एयरप्लेन में। तो गाइस यहाँ पे मेरे को पोहा मिला एंड ये स्मूथी मिली मैंगो वाली जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी और पोहा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हमारी फ़्लाइट दिल्ली टू गौतमबर्ग की है बट बीच में हमारे दो जगह स्टे हैं, एक तो यूएई की कोई सिटी है एंड दूसरा स्टे इस्तांबुल है। दुख हो रहा था कि मेरे को इतने सुंदर नज़ारे में विंडो सीट नहीं मिली, प्लस मम्मी एंड आशीष की भी सीट अलग अलग थी तो हमारी बात भी नहीं हो पा रही थी। एंड ये हम पता नहीं कौन सी सिटी या कंट्री में थे बट ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा था क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई थी और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हेलो गाइस, पहुंच गए तुर्की। तो गाइस सबको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, ऐसा लग रहा था कब घर पहुंचेंगे, लेकिन अभी हमारे यहाँ 5 घंटे का स्टे है इस्तांबुल में। अभी हमारे बोर्डिंग में टाइम है तो यहाँ पे बर्गर खा रहा है और फ्राइज खा रहा है। मौसम अच्छा नहीं हो रहा, बारिश का हो रहा है तो मुझे नहीं लग रहा कोई व्यू दिखेगा, बट अभी मम्मी मेरे साथ वाली सीट में थी तो ये अच्छा था, हम बात कर पा रहे थे। तो गाइस यहाँ पे हमें मिला है लंच एंड लंच में हमें मिला है पास्ता एंड जो भी था बहुत टेस्टी था सब कुछ। और यहाँ पे मैं गेम खेल रही हूँ और म्यूज़िक सुन रही हूँ बीच बीच में क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं सो नहीं पाती, ये मेरी एक आदत है। और अब हम गौतमबर्ग पहुँचने वाले हैं, मतलब युतिपोरी। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं गौतमबर्ग एयरपोर्ट और यहाँ से जहाँ हम रहते हैं वो आधे घंटे नहीं 45 मिनट्स दूर है। अभी आपको लग रहा होगा रात हो रही है लेकिन यहाँ पे 6:43 हो रहा है, शाम हो रही है और एकदम रात जैसा हो रहा है, ठंड हो रही है, हाँ हवा मस्त। तो गाइस हम घर पहुँच गए हैं और हमारी लगेज देखो कितने सारे, पापा ने सेटिंग चेंज कर दिया है ऐसे मेरे को लग रहा है घर की। मैं तब तक मदद करती हूँ लगेज रखवाने के लिए, बाद में मिलती हूँ। तो सामान सारा रख दिया है और हालत सबकी बुरी हो रही है, लाइट जलाओ जी। यार पापा ने बड़ा चमका रखा है घर, ये देखो लगेज हमारे, यार बड़ा वाइट वाइट लग रहा है यहाँ पे। 8 बज रहे हैं, ये घड़ी ख़राब हो गई है लगता है, हाँ पापा बोल रहे थे ये घड़ी ख़राब हुई है इसीलिए हम इंडिया से नई घड़ी लाए, सेल लगा के भी ये ठीक नहीं हो रही पापा कह रहे थे। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा टायरिंग डे था, बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे को तो जुखाम सा हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है बस मैं सो जाऊँ अब मेरे बस का कुछ नहीं है।